आप सभी का खैर मकदम है चौक एंड डस्टर अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों से हमने वादा किया था कि जब तनकीद ख़त्म हो जाएगी तो उसके तनकीद के हवाले से आपको एक एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ जो है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो उसी के ताल्लुक से आज का जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग बात करेंगे तनकीद के हवाले से। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा तनकीद का मॉक टेस्ट है उसको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप जो है वो अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल है, फ़न तनकीद और उर्दू तनकीद निगारी किसकी तख्लीक है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि नूरुल हसन नकवी की ये तसनीफ़ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर दो, ज़िंदगी के लिए तनकीद को उतना ही ज़रूरी बताया है जितनी सांस, ये किसका कौल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये T.S. Eliot का क्या है, कौल है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थ्री है, एक एक लफ्ज़ के लिए उसे 70-70 कुएं झांकने पड़ते हैं, या 70-70 कुएं झांकने पड़ते हैं, ये किसका कौल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी कि ये कौल है, अल्ताफ़ हुसैन हाली का कौल है। अगला सवाल, तनकीद को अदब के जिस्म का कोड कहा है, किसने कहा है? चार ऑप्शन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि ये बात कही फिलेबर ने। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फाइव, कौन सा शायर मरते दम तक तनकीद के खिलाफ रहा? तो इसमें चार ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि जोश मलिह आबादी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस शायर के बारे में कहा गया है कि वो एक मिसरे को 40-40 बार बदलता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, सॉरी ऑप्शन टू, यानी कि अल्लामा इकबाल जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सेवन, तासुरवादी तनकीद में सबसे अहम नाम किसका है? तो तासुरवादी तनकीद में आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि वॉल्टर पीटर का नाम तासुरवादी तनकीद में सबसे अहम है और ये इसके बानी भी हैं। अगला सवाल, तासुरवादी तनकीद में किसका ताल्लुक नहीं है? फिराक गोरखपुरी, नियाज फतेहपुरी, मोहम्मद हसन अस्करी या गोपी चंद नारंग? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि गोपी चंद नारंग का ताल्लुक तासुरवादी तनकीद से नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर नाइन, मुशायरों की वाह वाह किस तनकीद की शक्ल की एक शाख है? जमालियाती, नफ्सियाती, तासुराती या उसलूबियाती? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी कि तासुरात से इसका जो है वो ताल्लुक़ है और ये उसकी एक शाख है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, तख्लीकी तनकीद किसको कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी कि तासुरात को तख्लीकी तनकीद भी कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, तासुरवादी तनकीद को तख्लीकी तनकीद किसने कहा है? T.S. Eliot, मैथ्यू आर्नल्ड, स्पंगारन या वॉल्टर पीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी कि स्पंगारन ने तासुरवादी तनकीद को तख्लीकी तनकीद भी कहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 है और ये आपको बताना है कि मुहासिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अब्दुल रहमान, ये बिजनौरी की तसनीफ़ है जो गालिब के मुतालिक लिखी गई है। अगला सवाल, इंसान और आदमी का पेशे लफ्ज़ किस तनकीद निगार ने लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी कि मोहम्मद हसन अस्करी ने इसका क्या लिखा है, पेशे लफ्ज़ लिखा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, तनकीद ना तो साइंस है और ना ही हो सकती है, ये किसका कौल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये T.S. Eliot का कौल है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, शायर के लिए मुफक्किर होना ज़रूरी करार दिया है, किसने करार दिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 16 का 2, यानी कि मैथ्यू आर्नल्ड ने जो है वो इसके बारे में बयान किया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, अल्फाज की बेहतरीन तरतीब नसर है और बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब शेर, ये किसका कौल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि ये कोलरिज का कौल है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 है, उर्दू तनकीद का बाकायदा आगाज़ किस किताब से होता है? तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि मुकदमा शेर व शायरी, जो कब लिखी गई है, 1893 में जो है वो लिखी गई है और ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, ये किसकी तसनीफ़ है? तो इसमें ऑप्शन जो है वो इधर उधर हो गए हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि शमशुर रहमान फारूकी की ये तसनीफ़ है, अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, ना कोई अफसाना लिखा और ना ही कभी शायरी की, किस
के बारे में ये बात कही गई है क्वेश्चन नंबर 20 के? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, फर्स्ट, यानी कि गोपीचंद नारंग ने ना तो कोई अफसाना लिखा और ना ही कोई शायरी की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 है, इस्तदलाल किसके लिए ज़रूरी है? ऑप्शन ए तहकीक, ऑप्शन टू तनकीद, ऑप्शन थ्री खतूत और ऑप्शन फोर वासूख। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑप्शन हो जाएगा टू, यानी कि तनकीद के लिए ये ज़रूरी है। अगला सवाल, 1857 के हंगामे में किसकी पैदाइश हुई है या किसकी विलादत हुई है, किस नक्काद के बारे में ये बात कही गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी की 1857 में पैदाइश हुई है आजमगढ़ में, और इन्होंने ही तकाबली तनकीद की बुनियाद डाली है। अल्लामा शिबली नोमानी ने कब डाली है? 1907 में। और एक तसनीफ़ है जिसका नाम है मवाज़ान अनीस व दबीर, जिसमें अनीस और दबीर के दरमियान कंपैरिजन किया गया है या मुकाबला किया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, तनकीद व तजर्बा किसकी तख्लीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी कि जमील जालवी की। अगला सवाल, अदबुल कातिब किसकी तसनीफ है? क्वेश्चन नंबर 24 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इब्ने कुतीबा की तसनीफ है। अगला सवाल, इखलाकियत को शायरी से बेहतर किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि इमदाद इमाम असर जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसलूबियात का नक्काद मंदरजा जेल में से कौन है? आल अहमद सरूर, शमशुरहमान फारूकी, एहतसाम हुसैन या गोपी चंद नारंग? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि गोपी चंद नारंग का ताल्लुक उसलूबियाती तनकीद से रहा है। अगला सवाल, मशरकी अदब का दिलदादा कौन था? क्वेश्चन नंबर 27 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी मशरकी अदब के दिलदादा थे, जबकि अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है वो मगरबी अदब के क्या थे? दिलदादा थे, यानी कि इनको मशरकी अदब जो है वो ज़्यादा पसंद आता था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, किताबुल मारूफ किस तनकीद निगार की तसनीफ़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इब्ने कुतीबा इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मायने को किसने ज़्यादा अहमियत दी है? शिबली नोमानी, इमदाद इमाम असर, अल्ताफ़ हुसैन हाली या कलीमुद्दीन अहमद? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली को, या अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मायने को ज़्यादा अहमियत दी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, अजमत के बारे में किस मगरबी तनकीद निगार की तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 13 है, और इसमें जो है वो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी कि लॉन जाइंस इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किताबुल उम्दा किसकी तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर 31 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि इब्न रशीक इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32, लफ्ज़ व मायने किस सन में लिखी गई है? ये शमशुर्रहमान फारूकी की किताब है, और ये लिखी गई है 1968 में, ऑप्शन थ्री। अगला सवाल, गोपी चंद नारंग की वफ़ात कब हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि सॉरी ऑप्शन थ्री, 2022 में जो है वो उनकी क्या हुई? वफ़ात हुई। अगला सवाल, ख्वाबो ख्याल किस तनकीद निगार का अफसाना है? आल अहमद सुरूर, शमशुर्रहमान फारूकी, एहतसाम हुसैन या मजनू गोरखपुरी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि मजनू गोरखपुरी की ये तसनीफ़ है, जिसका नाम था ख्वाबो ख्याल। अगला सवाल, किस अरबी नक्काद ने शायरी के लिए लफ्ज़, मायने, वज़न और काफिया को लाजमी करार दिया है या लाजमी बताया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि इब्ने रशीक ने। अगला सवाल, वज़ीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि उनका ताल्लुक किस से है? तनकीद से है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37, आश्रम किस नक्काद की खुद नविस्त है? शकील उर रहमान, शमशुर रहमान फारूकी, मोहम्मद हसन या कलीमुद्दीन अहमद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि शकील उर रहमान की ये तसनीफ़ है आश्रम, और सिन्फ है खुद नविस्त। अगला सवाल, काबूश नामा किस जबान की तनकीद की किताब है? उर्दू, फारसी, अरबी या संस्कृत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि ये फारसी ज़बान की तसनीफ़ है काबूश नामा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39, फ़िक्र व रोशन किसकी तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर 39 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट,
यानी कि आल अहमद सुरूर इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40, अपनी तलाश में किसकी खुदनविस्त है? ये भी एक तनकीद निगार है और इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि कलीमुद्दीन अहमद की ये तसनीफ है अपनी तलाश में, जबकि आल अहमद सुरूर की है ख्वाब बाकी है। अगला सवाल तनकीद और अमली तनकीद किसकी तसनीफ है? क्वेश्चन नंबर 41 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये एहतसाम हुसैन की क्या है तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 41। अगला सवाल नफ्सियाती तनकीद में मंदरजा जेल में से किसका ताल्लुक़ है? नफ्सियाती के हवाले से बताना है, जिसके बानी कौन है? सिगमंड फ्राइड, और उन्होंने शऊर, ला शऊर और तहत शऊर का नज़रिया पेश किया है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मीरा जी का ताल्लुक नफ्सियाती तनकीद से है। अगला सवाल बोतिका किसकी तसनीफ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अरस्तु। और उर्दू की बोतिका किसको कहा जाता है? उर्दू की बोतिका अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ मुकदमा शेर व शायरी को कहा जाता है। अगला सवाल साइंस और शायरी या साइंस और पोइट्री किसकी तसनीफ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि आई ए रिचर्डसन की ये तसनीफ है जिसका नाम है साइंस और पोइट्री। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45, एहतसाम हुसैन की मंदरजा जेल में से कौन सी तसनीफ नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अदब और नज़रिया जो है वो एहतसाम हुसैन की तसनीफ नहीं है। अगला सवाल मंदरजा जेल में से वज़ीर आगा की तसनीफ कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि अदब की जमालियात वज़ीर आगा की नहीं है, बाकी तीनों जो है वो इसी की तसनीफ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47, शेर नू और अदबी तनकीद किस नक्काद की काविश है? आल अहमद सुरूर, शमशुर रहमान फारूकी, मोहम्मद हसन या कलीमुद्दीन अहमद? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मोहम्मद हसन इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नफ्सियाती तनकीद में किसका ताल्लुक नहीं है? तो इसमें बताना है किसका ताल्लुक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी, यानी कि ज्ञानचंद जैन का ताल्लुक नफ्सियाती तनकीद से नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49, उसलूबियाती तनकीद में मंदरजा जेल में से किसका ताल्लुक नहीं है? तो उसलूबियात में बताना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, डॉक्टर इबादत बरेलवी का ताल्लुक उसलूबियाती तनकीद से नहीं है। अगला सवाल है कौन तनकीद निगार नहीं है? इसमें आपको सही बताना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ज्ञानचंद जैन का ताल्लुक जो है वो तनकीद निगार से नहीं, बल्कि वो क्या है, वो तहकीक निगार है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51, सबे खून किस तनकीद निगार का रिसाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये शमशुर रहमान फारूकी का रिसाला है, जो कहाँ से निकलता था, जो इलाहाबाद से निकलता था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52, जदीद लहजे का शायर किसकी तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर 52 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सबीउल हसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और जिसका ताल्लुक नफ्सियाती तनकीद से है। अगला सवाल पहचान और परख किस तनकीद निगार की तसनीफ है? क्वेश्चन नंबर 53 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि आल अहमद सुरूर इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54, मजहब और अदब किसकी तसनीफ है? क्वेश्चन नंबर 54 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टी एस एलियट की ये तसनीफ है। अगला सवाल ख्वाब और खलिश किस तनकीद निगार का शेरी मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 55 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि आल अहमद सुरूर का ये शेरी मजमुआ है। अगला सवाल सलसबील किसका शेरी मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 56 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि आल अहमद सुरूर इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57, सादगी, असलियत और जोश, हाल ही ने ये तीनों चीज़ें किससे अर्ज की हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ये मिल्टन से उन्होंने ली है तीनों चीज़ें। अगला सवाल अकलियत, वाकियत और हकीकत का ताल्लुक किस तनकीद से है? नफ्सियात, उसलूबियात, मार्कसी या साइंटिफिक? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि इनका ताल्लुक साइंटिफिक तनकीद से है। अगला सवाल तखय्युल नफ्सी का बानी किसको कहा जाता है? तो नफ्सियात का बानी मैंने आपको बताया था अभी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये हो जाएगा सिगमंड फ्राइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। और आज का हमारा आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 60, अदब और समाज किसकी तसनीफ है?
तो इसका जवाब जैसा कि आपको पता है, एक सवाल मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, इसका HW लिख के क्या देना है, इसका सही जवाब दे देना कि अदब और समाज किसकी तसनीफ है। और इस तरीके से ये जो है वो आपके तनकीद के हवाले से लेक्चर भी कंप्लीट हुआ और इसका MCQ भी जो है वो आपके लिए हम लोग लेकर आए। हमें ज़रूर बताइएगा आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और HW भी जो है वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। कोई बच्चा अगर रिवीजन बैच में जुड़ना चाहता है तो इस नंबर पर रब्ता करके वो जुड़ सकता है। आपकी क्लास जो है वो चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर होती है। आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और रिवीजन बैच लिख के जो है वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।